गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट सौरिया पहाड़िया ट्राइब। पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा सौरिया पहाड़िया है। पहला हम लोग देख चुके माल पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति की दो शाखाएं थी, एक माल पहाड़िया, दूसरा सौरिया पहाड़िया, और दोनों को अलग अलग जनजाति के रूप में जाना जाता है। और हम लोग ये भी बात कर चुके थे कि दोनों में आपसी विवाह संबंध नहीं होता है। क्लियर ना? सौरिया पहाड़िया के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट्स। रेस प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, लैंग्वेज माल्टो। माल्टो जो भाषा है सौरिया पहाड़िया का, ये उराओं की कुड़ुक भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। क्लियर? संथाल परगना के अधिकांश सौरिया लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? मोस्ट ऑफ दी सौरिया ट्राइब्स ऑफ संथाल परगना स्पीक्स बंगाली लैंग्वेज। क्लियर? सौरिया पहाड़िया का जो स्थानीय भाषा है वो कुरवा है। ये कुरवा आपस में सामान गुड्स के एक्सचेंज में ये कुरवा भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर? जो इनकी लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो माल्टो भाषा की लिंग्विस्टिक ग्रुप है, दैट इज द्रविडियन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द्रविड। क्लियर? सौरिया पहाड़िया अपने आप को मालेर कहते हैं, मलेर या मालेर। सौरिया पहाड़िया call themselves Malayr या Malayr। क्लियर? प्रिमिटिव ट्राइब सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड। जब ट्राइब्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे तो प्रिमिटिव ट्राइब में कौन कौन से ट्राइब्स आते हैं वो हम लोग लिख चुके हैं। क्लियर? एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ सौरिया पहाड़िया ट्राइब 46,222। As per 2011 census, population इनका कितना है 46,222, which is 0.53% of टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग
मेगास्थनीज, जब मेगास्थनीज भारत विजिट पर आए थे, भारत दौरा पर आए थे, मेगास्थनीज भारत दौरा पर आए थे इन द एरा ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो यहाँ के आदिम जनजाति है उनको, जो राजमहल क्षेत्र में जो आदिम जनजाति थी उनको ये सॉरी या मल्ली कह के, उनको मल्ली या सॉरी कहे, जो कि आज सौरिया पहाड़िया या मलेर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं, मेगास्थनीज ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया डिस्क्राइब्ड एबोरिजिनल ट्राइब्स या प्रिमिटिव ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द राजमहल एरिया एज इन्हें सॉरी या फिर माल्ले कह के पुकारा था, माली या मल्ले। रिसाइडिंग इन द राजमहल एरिया एज मल्ली या फिर सॉरी। क्लियर? मल्ली मतलब होता है ह्यूमन, मानव। इन्हें ये मेगास्थनीज ने इन्हें मल्ली या सॉरी कहकर पुकारा, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स राजमहल क्षेत्र में रहते थे। अब ये अपने आप को मलेर या सौरिया पहाड़िया कहते हैं। नाउ दे कॉल देमसेल्व्स मलेर और सौरिया पहाड़िया। क्लियर? ध्यान रहे एक और बात, ब्रिटिश के आगमन, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ये जो सौरिया लोग थे, सौरिया पहाड़िया ट्राइब जो थे, जो राजमहल क्षेत्र में रहते थे, राजमहल के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, वो किसी सॉरी ब्रिटिशर्स के पहले ये किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किए। वी कैन राइट, बिफोर ब्रिटिश रूल दे रिमेन इंडिपेंडेंट। वो आजाद रहे, इनफैक्ट उन्होंने नेवर रिमेंड अंडर द मुगल्स और मराठाज रूल। वी कैन राइट दिस, अंडर द मुगलों और मराठों की अधीनता स्वीकार इन्होंने नहीं किया। मुगल्स एंड मराठास रूल। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग।
रेसिडेंस। सौरिया पहाड़िया ट्राइब्स मेनली रिसाइड्स इन द संथाल परगना डिवीजन। सॉरी, संथाल परगना डिवीजन की बात करें तो इसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज। क्लियर? जो इनका मेनली जो सॉरी सौरिया पहाड़िया का जो रेसिडेंस था, जो मेनली ये सेंट्रलाइज्ड थे, वो दामिने को राजमहल क्षेत्र के दामिने को में हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड इन दामिने को ऑफ राजमहल रीजन। इनके जो निवास को ये अपने निवास को अड्डा कहते हैं, द रेसिडेंस इज कॉल्ड अड्डा। दामिनी कोह का मतलब होता है पहाड़ों का, पहाड़ का आंचल। क्लियर? जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है, ये अधिकांश इनके जो मैक्सिमम विलेजेस हैं ये पहाड़ों की चोटियों पर और जंगल से भरे पहाड़ी ढलानों पर बसे होते हैं। ये समतल और तराई क्षेत्र में, भूभाग में इनकी बस्तियां बहुत कम मिलती है। क्लियर? आगे देखते हैं सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई गोत्र की गोत्र का कोई कंसेप्ट इनमें नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ क्लेन और गोत्र इज नॉट फाउंड इन सौरिया पहाड़िया ट्राइब। क्लियर? यूथ डॉर्मेट्री, यूथ डॉर्मेट्री की बात करें, युवा गृह की बात करें तो इनके युवा गृह को कोड़बा कहा जाता है। क्लियर? कोड़बा यहाँ युवक युवतियों के लिए, मेल फीमेल के लिए जो कोड़बा युवा गृह होता है उसका अलग अलग नाम है। क्लियर? देखते हैं जो मेल का होता है ये मर्समक कहलाता है। मेल का युवा गृह को मर्समक कहते हैं, मर्समक, और फीमेल के युवा गृह को पेलमक कहते हैं। क्लियर? पेलमक, कोड़बा, मरसमक, कोड़बा।
मेल और फीमेल के युवाग्रह को। नाउ वेद सीडू कंडक्ट्स मैरिज सेरेमनी प्रोग्राम। जो विवाह का कार्य करते हैं, विवाह संचालन करते हैं, उन्हें वेद सिधु कहा जाता है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सौरिया पहाड़िया जनजाति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, तो ये मेनली कृषि और वन पर अपने जीविका के लिए निर्भर रहते हैं। डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए कृषि और वन पर आश्रित रहते हैं। क्लियर। कुरुआ एग्रीकल्चर, जो ये कृषि करते हैं, दैट इज कुरुआ एग्रीकल्चर। कुरुआ एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग और झूम खेती, जिसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुरवा एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि ये एक जगह पर 2 से 3 साल तक खेती करते हैं, उसके बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है उस ज़मीन की, उस प्लॉट की, वो धीरे धीरे कम होते जाती है, तो वो उस ज़मीन को 4 से 5 साल तक परती छोड़ देते हैं, ऐसे खाली छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी क्रॉप्स नहीं लगाते हैं, और वो दूसरे जगह में कृषि अपना जगह चेंज करके दूसरे जगह जंगल झाड़ी को साफ करके वहाँ करते हैं। तो कुछ दिन छोड़ देने के बाद इसमें फर्टिलिटी उर्वरता वापस आने लगती है और फिर बाद में वो वहाँ खेती करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन। हेड ऑफ विलेज मांझी, गोड़ाइत। गोड़ाइत संदेश वाहक होता है, जो कि मांझी का संदेश पूरे गांव में ले जाता है और बाकी का भी संदेश, गांव का संदेश मांझी के पास लेकर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं मैसेंजर, या फिर इसको
असिस्टेंट ऑफ मांझी भी। ठीक, गोड़ैत को जो सौरिया पहाड़िया में गोड़ैत को भंडारी कहते हैं, क्लियर, गोड़ैत या भंडारी, सॉरी गोड़ैत को भंडारी नहीं, गोड़ैत या भंडारी दोनों एक ही हैं। ये मैसेंजर होते हैं, संदेश वाहक होते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग, दो अदर जो अधिकारी गांव के पंचायत के जो बाकी अधिकारी होते हैं उसको कोतेवार या फिर गिरी कहते हैं, या फिर सॉरी कोतेवार और गिरी कहते हैं, कोतेवार अदर ऑफिशियल्स ऑफ पंचायत, कोतेवार, कोतेवार या कोतवार। नेक्स्ट इज गिरी, ये दोनों हैं अदर ऑफिशियल्स ऑफ पंच विलेज पंचायत, क्लियर। गिरी जो होते हैं ये गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता है, इनकी बातें ये इनकी बातें लोग सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता है। और कोतवार जो होता है पंचायत का व्यवस्थापक होता है, क्लियर। आगे देखते हैं रिलीजन, इनके धर्म के बारे में, इनके धर्म की बात करें तो सुप्रीम जो सौरिया पहाड़िया जो होते हैं ये धार्मिक जीवन में पूर्वज पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्लियर। इनके सुप्रीम डिटी लेहू गोसाई होते हैं, सर्वोच्च देवता सुप्रीम डिटी लेहू गोसाई, क्लियर। अदर्स जो अदर इम्पॉर्टेंट डीटी होते हैं, अदर प्रमुख देवता होते हैं, विल्प गोसाई, विल्प गोसाई चांद की पूजा करते हैं, बिल्प मीन्स चांद, क्लियर, चांद सूर्य ये सब की ये पूजा करते हैं, बेरू गोसाई सन, क्लियर, जरमात्रे गोसाई, जरमात्रे बर्थ गॉड, जन्मदेव, जन्म के देवता, क्लियर, पो गोसाई, गॉड ऑफ हाईवे, राजमार्ग के देवता, ओटगा गॉड ऑफ हंटिंग, शिकार के देवता, क्लियर, धर्मारे गोसाई गॉड ऑफ
सत्य के देवता। क्लियर। तो ये हो गए कुछ इनके धर्म के बारे में बातें। नाउ फेस्टिवल्स। अब इनके त्यौहार के बारे में बातें करते हैं। इनका जो त्यौहार होता है मेनली फसलों पर, क्रॉप्स पर बेस्ड होता है। ये अपने फेस्टिवल को अड़ाया कहते हैं। फेस्टिवल्स को अड़ाया कहते हैं। क्लियर। फेस्टिवल्स के नाम है गंगी अड़ाया, गंगी अड़ाया, ओसरा अड़ाया, क्लियर, पुनु ओढ़ाया, सॉरी अड़ाया, अड़ाया, पुनु ओढ़ाया, गंगी, गंगी, गंगी अड़ाया, ओसरा अड़ाया एंड पुनु अड़ाया। गंगी अड़ाया ये जो होता है इन द मंथ ऑफ भादो होता है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, फसलों के कटने के समय, द मंथ ऑफ भादो। ओसरा होता है कार्तिक के महीने में। पुन्नू होता है पौष, पूस को पौष कहते हैं, या इन द मंथ ऑफ पौष। क्लियर। तो ये जो फेस्टिवल होता है गंगी अड़ाया, ये फसलों के कटने के समय होता है भादो महीने में। ओसरा अड़ाया होता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। घंघरा जो बरबट्टी होता है, बोदी होता है, उसको घंघरा कहते हैं ये लोग। ओसरा अड़ाया जब घंघरा काटते हैं तो ओसरा अड़ाया मनाते हैं। क्लियर। पुनु अड़ाया बाजरा, जब बाजरा काटते हैं तो पुनु अड़ाया फेस्टिवल्स मनाते हैं। क्लियर। दैट्स ऑल अबाउट सौरिया पहाड़िया ट्राइब। थैंक यू।